नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं नानक भील की, महान स्वतंत्रता सेनानी नानक भील की। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद नानक भील का जन्म सन 1890 में ब्राड के धनेश्वर गांव में हुआ था। नानक जी के पिता का नाम था बेहू भील। यह बचपन से ही बड़े निडर और साहसी वीर बहादुर एवं जागरूक व्यक्ति थे। नानक भील बूंदी किसान आंदोलन के नायक थे। ये गोविंद गुरु तथा मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने क्षेत्र में आम किसानों, जनता को अपने अधिकारों और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए जागरूकता बढ़ाई। नानक भील एक महान देशभक्त थे। इन्होंने अपने क्षेत्र में झंडा गीतों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया तथा अपने क्षेत्र के आम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। यह अपने झंडा गीतों के माध्यम से लोगों को एक नया उत्साह भर देते थे, एक नई जागृति उत्पन्न करते थे। बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत 13 जून 1922 ईस्वी को डाबी गांव के किसानों की बैठक रखी गई। वहीं पर अचानक अंग्रेज पुलिस ने आकर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी से वहां आम किसानों में भगदड़ मच गई, लेकिन नानक भील भागने के बजाय झंडा गीत गाते हुए विरोध करते रहे, अंग्रेजों की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान वहां अंग्रेज पुलिस ने नानक भील के सीने में गोली मार दी और इस प्रकार यह भारत माता का वीर सपूत शहीद हो गया। लेकिन नानक भील जी की यह शहादत व्यर्थ नहीं गई। नानक भील जी के इस महत्वपूर्ण कदम से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया और किसान तथा आम जनता को राहत मिली, जिससे लोगों में एक नई जागृति पनपी, एक नई ऊर्जा का समावेश हुआ। आम लोगों ने खुद के लिए लड़ना शुरू किया। अमर शहीद नानक भील जी की स्मृति में मूर्तियां स्थापित की गई है तथा वहां हर वर्ष मेला आयोजन होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर समाज से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।